हेलो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद्पमी। मैं तरणा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो आप सबको पता है आज मैडम ने अपने माँ बाप की कहानी सुनाई। भैया वो तो सुनाई, कौन सी बात नहीं थी इसमें, आप बताइए कौन सी बात नहीं थी। जब आप इतना फेस कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल ले रहे हैं, आप अपने माँ बाप से ऊपर होके आपने प्यार किया, अपने माँ बाप से ऊपर होके आपने शादी की, आपने माँ बाप से ऊपर होकर तुम 5 साल अलग रही, उनके बाद तो उनके ससुराल वालों ने तुम्हें नहीं अपनाया है, काहे का फिर क्यों अलग अलग होते डोल रहे हो, क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पता है तुम उसका सहारा हो, वो तुम्हारा सहारा है, फिर काहे का दिखावा है। चली जाओ ना उसके पास, क्यों नहीं चली जाती हो? उसने कौन सा दूसरी शादी कर ली, या उसने कौन सा झंडे गाड़ दिए जो भैया अब तुझे बुला नहीं सकता, और पहले लिख दिया है कि जो आएगी तो यही आएगी, इसके अलावा और कोई आएगी नहीं। तूने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा, तूने उसे ऐसा कुछ किया करते हुए नहीं देखा, बस एक फोन कॉल की वजह से तू अपने घर छोड़कर, उसके घर को छोड़कर वो तुझे घर से निकालता है और तू निकल के चली आती है। वाह, ऐसा अगर तेरे माँ बाप तुझे निकालते, तुझे लगता है कि तेरे माँ बाप गलत कर रहे हैं? कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जब उनको जैसी समझ, जैसी सोच उनको आएगी, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज में उन्हें रहना है। पता है माँ बाप की तड़प क्या होती है, सब चीजें समझ में आती है, पर जब वो तड़प और वो प्यार कहाँ चला जाता है माँ बाप का, जब तुम उसकी, जब जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिसने तुम्हें इतने से इतना बड़ा किया कि तुम प्यार के गुल खिलाते डोल रहे हो, उनके प्यार को भूल जाते हो, उनकी इज्जत को भूल जाते हो, और तुम इतने पागल हो जाते हो उस इंसान के पीछे, एक दिन उससे शादी कर लेते हो, उसका बच्चा हो जाता है, कुछ 5-6 महीने का बच्चा होता है, फिर उससे दूर होके निकल आते हैं, उसको छोड़ देते हैं। काहे भैया इतना फंडा काहे किया था? इसलिए कि उस माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। जब पता है कि भैया ये चीजें ऐसे नहीं है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तुम एडजस्ट हो पाओगी, तो क्यों? जब तुम 2 साल उससे दूर रही थी तब तुम्हें नहीं भापा था वो, और तुमने कहा कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, तो मैडम उस टाइम तुम्हारी एज कितनी होगी सोचिएगा, क्या नाबालिग अवस्था में तुमने शादी की थी? और शादी की भी थी या नहीं ये भी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो YouTube पे की है शादी, YouTube पे की है ना, उससे पहले की भी थी या नहीं भी की थी तो भी हमें तो भैया पता नहीं, ये तो सिर्फ कह रहे हैं। कौन सा इनके पास प्रूफ है या कौन सा इनकी शादी का सर्टिफिकेट है, वो तो होना चाहिए था, वो भी कहीं नहीं है। मतलब सारी इनकी खिचड़ी झूठ से स्टार्ट होती है, झूठ पे आके खत्म होती है। एक बात बताओ, जिस घर में तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो तुम क्या करोगी? उस घर में रहती रहोगी? उस घर का किराया भी दो, खाने का भी इंतजाम देखो, कपड़े लत्ते रहने धोने सब चीज की टेंशन पालो, इससे अच्छा यहां से उठ के अपने पति के घर चले जाओ ना। क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ, उस बच्चे को भी उसके बाप की जरूरत है। अकेला अपना मन करके कि मैं अकेला पाल रही हूं, मुझे पता है कि मैं कैसे कर रही हूं, तो वो तो आप ही करेंगी ना, आपको पता है। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने के बाद, अपने मन की बात रखने के बाद, आपने क्या स्टोरी सुनाया, आपको क्या लगा कि आपने कौन सी स्टोरी सुनाई? उस स्टोरी से लोग मोटिवेट होंगे? ऐसी स्टोरी सुनाई आपने? क्या आप अपने गुरुजी, आप अपने गुरुजी को, अपने भगवान को, आप माता पिता नहीं मानते हैं? जी भाई सब मानते हैं, पर झूठ नहीं बोलता कोई, झूठ नहीं बोलता कोई, जिसे बोलना है वो सच्चाई के साथ आके रखता है। आपका पति आपको इतना मिस कर रहा है कि रोज हल्दी मेहंदी शादी की वीडियोस अपलोड कर रहा है, काहे नहीं जा रही हो भाई? जाना चाहिए ना, हक है आपका, पति है आपका, उठाई गिरा थोड़ी है। जब तुम किसी अनजान औरत के साथ उसके घर जा सकती हो तो मैडम सवाल आपके ऊपर ही उठेंगे। जब तुम किसी अनजान औरत के साथ उसके घर जा सकती हो, उसके घर में बेटे हैं, पति है, कौन नहीं है, सब चीजें तुम्हें पूरी डिटेल में नहीं पता थी, और आज के टाइम पे तो किसी पड़ोस में बगल में बैठे हुए बंदे पे विश्वास ना करे, तुम तो उसके साथ उसके घर ही चली गई। बताओ, इतना सब कुछ किया आंटी ने सब भांग के भाड़े में, क्यों? ये तो वही बात हुई ना, जिसकी थाली में खाया उसकी थाली में छेद, ऐसा ही हुआ ना। क्योंकि कहते सुनते तो बहुत लोगों से सुना है कि सांप को दूध पिलाओगे तो तुम्हें डसने आएगा,
ऐसा सुनने को मिला है। तो आपने तो इंसानियत को भी मार दिया मैडम। उन्होंने तुम्हारे साथ कितना किया, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे बच्चों के लिए किया। कौन आज के टाइम पे कोई किसी और औरत या किसी लड़की को अपने घर में नहीं रखता है, क्योंकि आज के टाइम के केस सबको पता है कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं। पर आप क्या करती हैं, आप किसी के साथ भी उठ के चली आती हैं, क्योंकि आपके पति ने आपको घर से निकाला। आपकी कोई दोस्त फ्रेंड कोई भी नहीं थी जिसके पास आप चली जाती हैं, जिससे आपको विश्वास होता, या आपने कोई ऐसा बनाया नहीं है इसलिए कि कल को कहीं कोई बात ना खुल जाए, कहीं कोई बात लीक ना हो जाए। ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने लिए सोचो या मत सोचो, उस नन्ही सी जान के बारे में सोचो जिसको तुम अकेली इस दुनिया में नहीं लाई हो। समझ रही हो ना कि तुम अकेली उसको इस दुनिया में नहीं लेकर आई हो, उसको उसके बाप का भी सहारा चाहिए। तुम वो प्यार ममता दे सकती हो, क्यों उसके बाप का हक नहीं है उसके ऊपर? हक है ना, तुम भी कहोगे कि हक है। तो क्यों उसको अपने बाप के पास नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था ना। तो फिर आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।